मिनिस्टर साहब जी ने क्योंकि संदेश थोड़े नाल सांझा किया मौजूदा समय दियां थोड़े नाल सरकारां वालों योग ते अयोग ढंग दे भी नाल थोड़े नाल सारे विचार सांझे किए। मैं जिथे खालसा पंथ की अज सालना दिवस से बहुत बहुत बधाई देना उत्थे एक तुहानू निम्रता सहित बेनती भी करनी चाहना कि सतगुरु जी ने एक बारी सिखां दी पारख कीती ते महान कवि भाई नंद लाल जी वह भी सतगुरां दे कोल सुशोभित सतगुरु जी पत्थर चक चक नदी में सुट्टी जांदे ते सारयां नूं जिहड़े पत्थर मोगा पुछिया कि पत्थर डुब्बे क्यों ते सारयां ने अपनी अकल मुताबक सतगुरां नूं जवाब दित्ते। जिसले भाई नंद लाल जी की बारी आई सतगुरु जी का सिख सी ना सतगुरु जी की कृपा से बख्शिश का पात्र सी ते सतगुरु जी कहिंदे पत्थर किवें डुब्बा कहिंदे सतगुरु जी जिहड़ा तुहाडे हथों खिसक गया उन्हें डुबना ही डुबना। अज इस धरती ते तुहानू मैं बेनती करनी चाहना गुरु का हथ साडे सिर ते कि पंजां पासों खंडे की पौल लाओ। सतगुरु जी कहिंदे मेरा हथ हमेशा वास्ते तुहाडे नाल रहूगा नित नेमी होवो पंजां बाणियां दा अमृत वेले सोदर दा ते कीर्तन सोले दा जाप करके सौवो। सतगुरु जी कहिंदे मेरे हथ विच रहोगे एडा सौखा तरीका सतगुरु जी ने सानू बख्शिश किया। अज सानू लोड़ आ इस पवित्र ताकत दे उत्ते संकल्प करिए कि सरकारां मौके दियां जो मर्जी करदियां रहन सिख पंथ हमेशा ही अपने गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ ते गुरु घरां दे नाल जुड़ के हमेशा ही तत्पर होके रहिंदा। इहो कारण आ उहो कौम जिउंदी रहिंदी आ जिस कौम की अणख ते गैरत जिउंदी रहिंदी आ उह अणख ते गैरत सतगुरु जी ने खंडे बाटे की पौल गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ दे नाल जुड़न दा सानू उदेश कीता सी। अज बड़ा जोर लगाया गुरु पंथ तो तोड़न दा गुरु ग्रंथ नालों जोड़न दा। मैं निम्रता सहित बेनती करदा ये जिहड़े मनुखां दे सहारे हुंदे आ ये जिहड़े राजसी सत्ता दे ये जिहड़े ताकत कह लईए आपां हुंदे आ ये टैंपरेरी हुंदे आ पांच साल आ गए गां होर आ गया पर ये ताकत सतगुरु जी दे ये सुदीप काल इसे तरह रहने आ ते इन्हां नाल टकराव करन वाले वह हमेशा मूँह की मार खांदे रहे। सो गुरु साहब कृपा करन अज समा अजोका जिहड़ा चल रहा सिंह साहब जी का आदेश भी गाहे मगाहे हुंदा वह कौम के वधेरे हितों लई हुंदा ते कौम के वधेरे हित वह केवल का केवल गुरु घर के नाल जुड़े वा। आओ सारे इस पवित्र दिहाड़े ते संकल्प करिए वध तो वध खंडे बाटे की पौल छक के नितनेम की परिपक्वता में आईए गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ नूं समर्पित होइए। सो सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद अचेचे तौर पर सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब जी के जथेदार जिन्हां ने तुहाडे नाल संदेश भी सांझा किया ये पवित्र श्री साहबां दे ओह भी तुहानूं दर्शन कराए जिहदी अज भी खालसा पूजा करके ताकत लैके वड्डियां ताकतां दे नाल भी जबर के खिलाफ जूझ पैंदा। सो सारी संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना गुरु साहब कृपा कर इस धरती याद करो जिस धरती के उत्ते सतगुरां ने होले महल्ले तो बाद सिखां नूं वड्डा संदेश बख्शिश किया सी साडे सारे त्यौहार आ नानक शाही कैलेंडर सतगुरु जी ने बख्शिश किया सिंह साहब जी ने जारी किया ते साडे दा कई त्यौहार ही सानूं भुल्लियो सी जां मतलब पै गया सी सतगुरु जी ने हर एक त्यौहार का भी सत्कार किया दूसरे धर्मां का सत्कार भी किया पर सिख नूं उह त्यौहार भी चेते कराए किहड़े त्यौहार जे होले महल्ले का त्यौहार जे आपां विसाखी का दिहाड़ा कह दिंदे जिहनूं खालसा साजना दिवस सतगुरु जी ने साडे लई बख्श किया। सो गुरु साहब कृपा कर अंत दे विच समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा वाहिगुरू जी का खालसा।